तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सबू, आप देख रहे हैं सबू चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले अपने कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा कुशीनगर एयरपोर्ट के डिटेल, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी है उससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ दूसरे जैसे कि गोरखपुर एयरपोर्ट या फिर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर उसमें कंपेयरिंग करूँगा कि क्या उसमें अभी भी कुशीनगर एयरपोर्ट में क्या क्या बाकी है और क्या उसमें कम्प्लीटेड है, क्या इसमें अभी लगना जो है बाकी है, क्यों आखिर इतना समय लग रहा है, अभी कितने समय लगेंगे, आज पूरा मैं डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसमें समझ में आए कि क्या एयरपोर्ट जो अभी भी काम में अभी तक रुका है, क्यों नहीं अभी ये चालू हुआ है। अगर आप भी सब ये जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपने इस कुछ एयरपोर्ट के बारे में जो है सच्चाई जो है पता चले, क्योंकि यूट्यूब बहुत ऐसे फ्रॉड जो है वीडियो आ रहे हैं लगातार। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कुशीनगर एयरपोर्ट का जो है ATC बिल्डिंग जो कि बनेगा, और ये है इंटरेस्ट गेट, यहाँ से आप इंट्री करेंगे और यहाँ कुछ इंक्वायरीज होगी और अंदर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये है रनवे कुशीनगर एयरपोर्ट का, ये देख सकते हैं, ये है रनवे जो कि कंप्लीट है, और इधर बालू वगैरह भी किनारे पर रखा गया और ईंट वगैरह ऐसे ही बिखरे हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं है ये, और चारों तरफ काम अभी हो रहे हैं और बिखरे हुए हैं। और मैं आपको अब गोरखपुर एयरपोर्ट दिखाता हूँ। गोरखपुर एयरपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ कैसे पहले फ्लाइट शुरू हुई थी और कैसे अब लैंडिंग हो जा रही है। और मैं बता दूँ कि कुशीनगर इस एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कहीं भी सिग्नल का भी व्यवस्था नहीं किया गया है, जो एयरपोर्ट पता नहीं क्या वो प्लेन को सिग्नल दिया जाता है लैंडिंग करने वगैरह के लिए, वो सब नहीं लगाया गया है। उसमें अभी टाइम लगने वाले हैं, जिस दिन वो कम्प्लीट हो जाता है सरकार की अनुमति के अनुसार वो भी चालू हो जाएगा, और गल्फ में फंसे सारे लोग जो आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।